गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम एकता, टीचर ऑफ श्री कृष्ण एजुकेशन सेंटर कटेड़ा। टुडे वी विल टॉक अबाउट द चैप्टर थर्ड ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज मोशंस ऑफ द अर्थ। तो स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस, कि जो अर्थ है हमारे उसके दो टाइप के मोशन है, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो जो हमारी अर्थ है उसके दो मोशंस हैं, एक तो रोटेशन और दूसरा रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज़ द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन में कहते हैं कि जो अर्थ होती है मूव करती है अपनी ही एक्सिस पे, मतलब जो इसका एक पाथ बना होता है उसी पाथ पे ये मूव करती है, उसे रोटेशन बोलते हैं। और रेवोल्यूशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में क्या होता है कि जब अर्थ मूव करती है सन के अराउंड, सन के मतलब कि अराउंड घूमती है एक फिक्स्ड पाथ में या फिर ऑर्बिट में, उसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो इस तरह से अर्थ के दो मोशंस हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। एंड आगे है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो वो ये कह रहे हैं कि जो अर्थ की एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन के ऊपर एक एंगल बनाती है। वो एंगल कितना बनाती है? 66.5 डिग्री का, विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है बेटा? जब जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक प्लेन पेपर पर हम उनको एक ही लाइन में रख दें, उसे हम ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको हम एक प्लेन पेपर के ऊपर एक ही लाइन में सभी को रख देते हैं, तो वो ऑर्बिटल प्लेन हो गया। तो वहाँ पे जो अर्थ की एक्सिस ऑफ द अर्थ है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, वहाँ पे वो एंगल बनाते हैं 66.5 डिग्री का ऑर्बिटल प्लेन के साथ। ठीक है, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज़ नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। तो वो ये कह रहे हैं कि जो प्लेन बनता है ऑर्बिट से उसे हम ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। अर्थ जो होती है वो रिसीव करती है लाइट सन से, ये तो हमें पता है, अर्थ की खुद की कोई लाइट नहीं होती, अर्थ के ऊपर जो लाइट आती है वो सन से आती है। ड्यू टू स्फेरिकल स्फीयर शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। वो ये कह रहे हैं कि अर्थ का एक स्फेरिकल शेप है, मतलब कि एक स्फीयर वाली शेप है, तो इसलिए हाफ पार्ट ही जो होता है अर्थ का वो सन से लाइट रिसीव करता है एक टाइम पे। एंड जो पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसिस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसिस नाइट। इट मीन्स कि जो पोर्शन, जो हाँ देखो, अर्थ का जो शेप है वो स्फीयर है, तो अर्थ का जो वाला मतलब कि पार्ट, मतलब कि जो वाला पोर्शन अर्थ का सन के साइड होगा वहाँ पे डे होगा, क्योंकि वहाँ पे लाइट आएगी सन की। और जो दूसरा पार्ट होगा जहाँ पे सन की लाइट नहीं आएगी वहाँ पे क्या होगा? नाइट होगी। नेक्स्ट है, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सर्कल जो डिवाइड करता है डे और लाइट, डे और नाइट को ग्लोब के ऊपर, उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है वैसे लाइट। ठीक है, तो ये जो सर्कल होता है डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन फिगर 3.2। फिगर 3.2 में आप देख सकते हो कि जो सर्कल है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये कोइंसाइड नहीं करता अपनी एक्सिस पे, मतलब कोइंसाइड क्या होता है, उसके ऊपर नहीं आता। अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कम्प्लीट वन रोटेशन अराउंड इट एक्सिस। अर्थ जो है ये 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को एक रोटेशन पूरा करने में अपनी ही एक्सिस पे। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज़ नोन एज द अर्थ डे। जो पीरियड होता है रोटेशन को उसे हम अर्थ डे बोलते हैं। दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। तो रोटेशन तो डेली मोशन होता है अर्थ का, मतलब रोज ही अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे घूमती है, तो ये तो डेली मोशन हुआ अर्थ का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।